Everyone, this दिस इज़ बश्रा खान वेलकम टू समा पॉडकास्ट टुडे वी हैव डॉक्टर नबी अली खान a clinical psychologist. इनसे जानेंगे और आपको भी बताएंगे कि human aura क्या होता है क्या human aura exist करता है जब बात करते हैं relationships की तो ये aura cleansing की क्या अहमियत है ये क्या होता है ये भी जानेंगे लेकिन इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कामयाब शादी कामयाब शादी के पीछे आखिर राज क्या है फार्मूला क्या होता है ये भी जानेंगे लेकिन जब हम फैक्टर्स को एनालइज़ करते हैं चीटिंग फैक्टर्स को या हम ट्रस्ट बिल्डअप रिलेशनशिप की बात करते हैं तो क्या फैक्टर्स हैं क्या स्ट्रेटीज़ है ये भी जानेंगे और तो और सबसे अहम सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि क्या लड़कियां अपना पास्ट शेयर करें शादी से पहले या शादी के बाद या इट्स ओके टू शेयर योर पास्ट विद योर पार्टनर लेट्स फिगर दैट आउट अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं आप मैं करम अल्लाह का आप सुनाइए थैंक यू अल्लाह का शुक्र डॉक्टर नबीहा जब हम बात करते हैं ह्यूमन ऑरा की तो ये बताएं ह्यूमन ऑरा क्या होता है देखिए अक्सर लोग ह्यूमन और के बारे में ज़्यादा नहीं जानते या अगर जानते भी हैं तो शायद उतना डीप नहीं जानते ह्यूमन हुँ। और के बारे में हमारे बहुत से स्कॉलर्स ने और स्पिरिचुअल हीलर्स ने जो है वो इसके बारे में काफ़ी आगाही दे रखी है लेकिन उसके बावजूद भी शायद बहुत सारे लोग जो है वो इसको डिफ़ाइन करने में या इसको समझने में जो है वो उस तरीके से आसान आम फहम अल्फाज में जो है वो आज आपको समझा देती हूँ कि और क्या है देखिए एक इंसान के गिर जो है जैसे आप एक शील्ड देखते हैं और एक शील जो है वो हर इंसान के गर्द होती है जिसको और कहा जाता है इसमें मुख्तफ रंग होते हैं जैसे कौसे क़़ा के रंग हैं सात कलर्स हैं और ये भी सात ही रंग हैं hmm. इसमें भी जो है वो सेवन कलर्स हैं ये और जो है वो ह्यूमन और कहलाता है और ये ह्यूमन और जो है वो मर्द और औरत दोनों के आ, को शील्ड करता है दोनों को प्रोटेक्ट करता ठीक. है ह्यूमन औरज़ आपके बिहेवियर्स पे आपकी फीलिंग्स पे बहुत इफ़ेक्ट करते हैं ये जो और होता है इसका आपके बिहेवियर से बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है यानी आपकी इमोशंस आपकी फीलिंग्स आपका बिहेवियर आपकी आ, जो है स्ट्रेंथ आपकी पावर आपकी लीडरशिप क्वालिटीज ये तमाम तरह चीज़ें जो है वो और शील्ड इसको जो है वो प्रोटेक्ट करती है यानी कि आप ये कह रही हैं कि आपका जो एटीट्यूड है या है, exactly. या डेली रूटीन है माइंड मूड है जो हुँ. आपके मूड्स होते हैं फीलिंग्स होती है वो रिफ्लेक्ट करती है और वो एसोसिएटेड होती है एक्जैक्टली क्योंकि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अगर आप इसको कहें कि रेजिस टाइप जो है वो आपके ह्यूमन और के साथ जो है वो इसको कनेक्ट करते हैं तो ये और जो है वो एक आप मैग्नेटिक इसको आप समझ लें कि जैसे वाइप शाएँ निकल रही होती हैं एक जो है वो वाइब्स भी है कह सकते हैं इसको और साथ में इसको एक चमक का नाम दिया गया है बेसिकली और जो है वो चमक को कहते हैं यानी शाइन करना और वो शाइन आप तभी कर सकते हैं जब आपका ह्यूमन और जो है वो आपको प्रॉपर प्रोटेक्ट कर रहा हो उसके तमाम कलर्स जो हैं वो शाइनिंग पोजीशन में हो अच्छा होता क्या है कि अक्सर वात हमारी मेंटल सिचुएशन इस तरह की होती है कि हमारे ह्यूमन और जो इर्द गर्द जो शील्ड होती है उसके कुछ रंग जो है वो फीके पड़ने शुरू हो जाते right. हैं जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि सात रंग हैं तो ये सात रंग जो है वो ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन माइंड एंड फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं और इसका एक बड़ा अहम किरदार है आपकी पर्सनैलिटी में सबसे पहले अगर हम बात कर लें रेड कलर की कि अगर ह्यूमन प्रोटेक्टिंग शील्ड आपके जो है वो इर्द गिर्द मौजूद है तो ये आपको कैसे प्रोटेक्ट करती है जिससे आपने कहा और सात रंग होते हैं तो इनके नाम तो बताइए अच्छा ये सात रंग जो होते हैं ये हमारे मेन कलर्स हैं जो कि आपको देखने में भी आँखों को भी अच्छे लगते हैं इंडिगो भी कहते हैं हाँ इंडिगो भी है और इसमें जो है वो रेड कलर है येलो है ऑरेंज है पर्पल है और इसमें जो है वो इंडिगो है ये तमाम तर कलर्स जो है वो इसमें जो है वो शामिल होते हैं इसके अलावा जो है वो इसमें काफ़ी और चीज़ें भी होती हैं जो इंक्लूड होती हैं लेकिन उसके बारे में अभी मैं आपको थोड़ा आगे जाके बताऊंगी पहले इन कलर्स की थोड़ी से डिफ़ाइन कर दूं कि ये कैसे और जो जो एक प्रोटेक्शन शील्ड है उसके अंदर मौजूद होते हैं अगर हम रेड कलर की बात कर लें तो ये पैशन आ, को जो है वो डिक्लेयर करता है कि आपके अंदर कितना पैशन मौजूद है अगर औरा शील्ड में रेड कलर जो है वो बहुत ज़्यादा आपके हाईलाइटेड है आप बहुत पैशनेट हैं बहुत आ, फिजिकली जो है आप बहुत एक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं अपने काम को तो इट्स मीन कि आपकी प्रोटेक्शन शील्ड और जो है उसमें रेड कलर जो है वो बहुत हैवी पोजिशन में जो है वो लीड कर रहा है उसके बाद अगर हम औरज औरेंज की बात कर लें तो ये ऑरेंज कलर जो होता है एक्साइटमेंट को जो है वो डिक्लेयर करता है यानी कि आपके अंदर अगर आपकी शील्ड में और ऑरेंज कलर जो है वो उसकी रेजेस ज्यादा आपके माइंड या फीलिंग्स के साथ जो वो है वो इफेक्ट करती हैं तो ये आपकी एक्साइटमेंट होती है energetic कुछ एनर्जेटिक भी, भी कह सकते हैं lively. आप कुछ लोग हाँ लाइवली होते हैं बड़े हसमुख होते हैं और हर वक्त जो है वो कुछ ना कुछ करने के मूड में रहते रहते हैं रहते हैं या फिर उनको एक्साइटमेंट इतनी होती है खुशी महसूस करना अपने अंदर ऑरेंज इस लाइव हाँ एग्जैक्टली कि ऑरेंज इसको जो है वो डिफाइन करता है उसके बाद अगर हम बात कर ले येलो की तो येलो फ्रीडम कलर है जो फ़्रीडम आज़ादी पसंद लोग होते हैं आज़ाद ख्याल होते हैं उनको किसी की भी जो है वो ज़रा सी भी बात बहुत जल्दी बुरी लग जाती है अपनी आज़ादी पर जो है वो ज़्यादा फोकस फ्री होता है हाँ एग्जैक्टली exactly. येलो कलर जो है वो उनका ज़्यादा डिफाइन कर रहा होता है ज़्यादा शाइन कर रहा होता है और शील में इस वजह से वो जो है वो फ्रीडम लवर होते हैं और वो फ्रीडम को जो है वो इन्हेंस कर रहे होते हैं इसके बाद अगर हम बात कर लें ग्रीन कलर की तो ग्रीन कलर जो है वो हीलिंग कलर है जो आपको हील करता है इसको आप स्परिचुअल में भी जो है वो ले सकते हैं हाँ सूदिंग इफेक्ट oh. आता है लेकिन क्योंकि हम पर्पल कलर को जो है वो स्पिरिचुअल कलर में लेके आते हैं तो ग्रीन को सिर्फ मैं हीलिंग प्रोसेस में ही रखूंगी ग्रीन नेचुरल है नेचर का कलर है और ये नेचर लवर ज़्यादा होते हैं लोग जिनको आप देखें कि नेचर में oh, जाके ज़्यादा खुश होते हैं ग्रीनरी में जाके बहुत खुश होते right. हैं अपने घर के आसपास पौधे बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं इट्स मीन कि आपके और में ग्रीन कलर जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा है ये देखिए हर इंसान में डिफरेंट है हर इंसान में डिफरेंट किस्म की जो है वो फीलिंग्स डिवेलप हो रही हैं और एटीट्यूड लेवल जो है वो प्रजेंट हो रहा है इसका मतलब आपकी और शील्ड का जो कलर आप पे ज़्यादा हैवी है या ज़्यादा शाइन कर रहा है आप उसी तरह के जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं तो ये ग्रीन कलर है उसके बाद अगर आप इंडिगो की बात कर लें तो ये एक सी ग्रीन टाइप जो है वो कलर होता है जो बहुत ज़्यादा आपकी शील्ड में अट्रैक्टिव होता है ये ब्यूटी को इन्हेंस करता है ब्यूटी जो है वो लवर जो लोग होते हैं जो ज़्यादा अच्छे खूबसूरत लोगों को पसंद करते हैं उन्हें बदसूरत लोग बिल्कुल पसंद नहीं होते या बदसूरती पसंद नहीं होती खूबसूरती देखना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को की जो प्रोटेक्शन शील्ड है उसमें यह कलर बहुत हैवी होता है फिर पर्पल कलर की बात कर लें जो सबसे अहम आपकी और शील्ड में जो है वो स्परि स्परिचुअलिटी को जो है वो जाहिर करता है स्परिचुअल इसको जो है वो hmm. आ, कलर कहते हैं अगर शील्ड में ये कलर आपका बहुत हैवी है तो आप अल्लाह की तरफ आपका एक कांटेक्ट ईमान की मज़बूती और ये इसमें ये हाँ स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत है, 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 हैवी हो जाएगा हाँ ऐसे लोग जो है वो स्पिरिचुअल हीलर्स भी होते हैं कि वो आपके सामने बैठे बैठे आपकी आंखों में आंखें डालकर जो है वो आपको हील भी कर सकते हैं और उनके ऊपर जो है वो ये और शील्ड जो है वो हैवी होती है ये mm. पर्पल कलर जो है वो इस चीज़ को जाहिर करता है अच्छा आज से पहले शायद इतने आ, मतलब ब्रीफली किसी ने डिफाइन इसको ना किया इस? ब्लू कलर आता है मैंने सी ग्रीन आपको बताया ना सी ग्रीन ब्लू वो इसी में जो है वो हाँ वो इसी जो है इसको हाईलाइट करता है ओशियन कलर है और इसमें जो है वो सबसे पहली बात यह है कि ये लोग जो है वो एक जगह टिकते नहीं हैं right, <laughs> right. बहुत ज़्यादा जो है वो माइंड इनका चेंज होता रहता है और कोशिश करते हैं कि ज़रा ज़्यादा 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 लोगों से मिलें बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह की पर्सनालिटीज़ होते हैं तो ये और शील्ड है पूरी जो सेवन कलर्स पे जो है वो मुहित है और सेवन कलर्स जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को प्रॉपर तरीके से जो है वो गाइड कर रहे हैं आपको हील कर रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी में शामिल हैं आपकी फ़ीलिंग्स में शामिल हैं लोग कहते हैं कि ये कैसे मुझे ये, पे ये पे अलग जी 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 जरूर मुझे यही पूछा था कि अब इन कलर्स को आप अपनी जिंदगी में क्या नेचुरली इस्तेमाल करते हैं या अगर आप इन कलर्स को यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ में या फॉर एग्जाम्पल कोई कपल है तो अब ये असरात कैसे डालते हैं रिलेशनशिप में ये ह्यूमन और ये कलर्स आगे जाके किस तरह से ये आपकी जिंदगी में असर होते हैं अच्छा देखिए बेसिक तो आपको ये कलर्स नज़र नहीं आ रहे ये और जो है वो एनर्जी पॉइंट्स हैं आपके पहली बात आपको ये समझना होगा कि ये कोई ऐसी कलर की शील्ड नहीं है कि जो आपके गिर्द आपको जो है वो रेनबो कलर्स नज़र आ रहे हैं और आप कलर्स के अंदर हैं और आप अपने आप को इमेजन कर रहे हैं नो no, ये ऑलरेडी हर इंसान के साथ जो है वो एसोसिएट है सेवन रेनबो कलर्स जो हैं जो इतने खूबसूरत लगते हैं ये समझ लें कि ये वही कलर्स हैं और वही चीज़ जो है वो एक इंसानी और के साथ जो है वो कनेक्ट है लेकिन ये जो एनर्जी पॉइंट्स हैं आपके ये आपकी फीलिंग्स को डिवेलप करने और आपके बिहेवियर्स में जो है वो आपको सपोर्ट करते हैं ये बहुत कम लोग जानते हैं तो अगर कोई मर्द या औरत अच्छा ऐसा भी होता है अक्सरों का जो है वो आ, एक इंसानी और जिस तरीके से ह्यूमन और काम करता है वो मर्द और, और औरत में थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है आ, पसंद के अतबार से फीलिंग्स के अतबार से जो है वो डिफरेंट होता है जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी कोई बहुत ज़्यादा जो है वो जहरीत पसंद है या कोई बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है या कोई बहुत ज़्यादा जो है वो स्परिचुअल हीलर है या कोई इस तरह की तो उनकी बॉडी में कौन सा कलर जो है वो ज़्यादा प्रोमिनंट हो रहा होगा और कौन सा कलर जो है वो ज़्यादा इन्हेंस हो रहा होगा जिसकी वजह से वो अपने आप को जो है प्रोटेक्ट करते हैं अच्छा मियाँ बीवी का भी और होता है यानी कि हस्बैंड वाइफ जब एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी शुरू करते हैं जी जी। तो उनके औरज भी आपस में कनेक्ट होते हैं कैसे बताइए हाँ एक तो सेवन कलर्स ये ऑलरेडी ह्यूमन और के जो है वो मौजूद है, लेकिन जब मियाँ बीवी दो मुख्तलिफों में चलने वाले लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ आ, फिजिकली और मैंटली जाहिर है कि उनका एक कनेक्शन जुड़ता है तो वो प्रॉपर तरीके से उनके जो औरज हैं उनके जो कलर्स हैं जो चीज़ उनमें जो कलर जो है वो ज़्यादा इनहेंस होगा वो दोनों में लाजमी जो है वो शामिल हो जाएगा या तो वहाँ पर जो है वो अक्सर उकात ऐसा होता है कि उसकी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही होती यानी मेंटल कंपेटबिलिटी नहीं मिल पा रही होती इट्स मीन कि आपके और कर कलर जो है वो दूसरे के और के कलर से मैच नहीं हो रहा है हाँ एक्जैक्टली exactly, ऐसा भी जो है वह होता है लेकिन ये रेयर है साइंस ने भी इसको प्रूफ कर दिया है ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कोई मैं माफ़ाकुल फितरत बात कर रही हूँ जिसका साइंस में जो है वो कोई प्रूफ नहीं है साइंस भी इसको प्रूफ करती है हमारे वो जो है वो बड़े साइंसदान जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे जो वो रिसर्च की है वो भी ऑरा को मान गए हैं कि एक प्रोटेक्शन शील्ड जो है वो ह्यूमन और मौजूद है एग्जिस्ट करता है और ये इलेक्ट्रिक जो मैगनीटिक रेजिज़ हैं ये हर इंसान में मौजूद होती हैं कुछ इसको 3.5 कोई 5.5 पॉइंट रेजिस के तौर पर जो है वो इसको यूज़ करता है कि इसमें इसकी इतनी जो है वो hmm. वेव्स की जो है वो कैपेसिटी होती है लेकिन डिपेंड ऑन मैं इस पर कोई हतमी राय नहीं कायम कर सकती लेकिन जितना मैंने इसको जो है वो पढ़ा है या रिसर्च किया है उसके हिसाब से मैं अपनी एक्सपर्टी से जो है वो आपको इस और के बारे में जो है वो गाइडलाइन देती हूँ जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है या हम उसको उसका चेकअप करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मेंटल कंपैटिबिलिटी अगर नहीं आ रही तो एक ह्यूमन और में उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है जब कोई शख्स हमसे डील करता है और हमें बताता है कि इनके बिहेवियर में चेंजिंग है मूड के स्विंग्स हैं या फिर जो है वो बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं या अब्यूज लैंग्वेज है क्या प्रॉब्लम है मतलब मियाँ बीवी के दरमियान में या दोस्तों के दरमियान में करती है हाँ, हाँ तो हम उसमें मैं और से भी जो है वो काफ़ी मुझे अंदाजा हो जाता है कि ये शख्स जो है इसके और में कौन सा कलर जो है मतलब, वो हाईलाइटेड है कोई केस बताएं। मतलब जैसे आ, ए, ऐसा तो हमारे पास जो है वो केसेस आते रहते हैं मैं तो अपने हर केस में ही और लाजमी जो है वो शामिल करती हूँ क्योंकि वो मैंने देखना होता है जाहिर है कि मेरे सामने जो एक पर्सनालिटी बैठी होती है अगर वो मेरे साथ अपना कोई मसला डिस्कस कर रही है जैसे अभी एक कपल जो है वो मेरे पास आया और उन्होंने जो है वो अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर की कि बिहेवियर्स ईशूज़ आ रहे थे दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे जो कि हमारे यहाँ हर घर का जो है वो इशू है कि बिहेवियर इशू आता है एक बंदा जो है वो ज़्यादा कैपेसिटी रखता है बोलने की एक बंदा बिल्कुल भी नहीं बोलता या खामोशी जो है वो वक्त्यार कर लेता है तो उस वक्त भी जो है वो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जी मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया जाता शायद मुझे इग्नोर किया जाता है तो ये प्रॉब्लम जो आ रही थी इस से मुझे अंदाज़ा हुआ कि दोनों के ओरस जो हैं उनमें जो हाइलाइटेड कलर्स हैं वो उनका मिसमैच हो रहा है वो मैच नहीं हो रहे आपस में अच्छा अगर ये ना मैच हो रहे हों तो फिर उसके बाद जो है वो हम ग्रीन कलर को इन्ेंस करते हैं यानी कि अब ये एक साइंटिफिक बात है ये हर बंदे के समझने की बात नहीं है इस पर मुख्त की राय भी आएंगी जब मैं ये बात कर रही हूँ तो मुख्त के लोग इस पर मुख्त की अपनी आ भी देंगे लेकिन उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इनहेंस कैसे करती हूँ वो एक जाहिर है कि हमारे पास अपनी एक्सपर्टीज़ हैं जिससे हम जो है वो देखते हैं अगर आपके बिहेवियर में एग्रेशन बहुत ज़्यादा है आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं और आप जो है वो बात को समझने की आप में जो है वो नहीं है तो इट्स मीन कि आप एक एनर्जेटिक जो है वो और आपका ताल्लुक है रेड कलर आप में जो है वो बहुत इनहेंस हो रहा है दूसरा बंदा जो है वो अगर खामोश तबाह है उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि वो बात ही नहीं करना चाहता या आपकी बात का जवाब ही नहीं देना पा, दे पाता hmm. तो हो सकता है कि वो पर्पल या ग्रीन कलर की तरफ जो है वो पर्पल और ग्रीन कलर जो है वो उसमें उसका और जो है वो इनहेंस हो अब रेड और पर्पल आपस में कनेक्ट नहीं हो पाते गुस्सा है ना एनर्जी तो नहीं हुआ देखिए एनर्जेटिक भी जाहिर है अनर्जी है रेड कलर जो है वो शार्प कलर है इसमें गुस्से की एनर्जी भी हो सकती है बूस्टिंग एनर्जीज भी हो सकती हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट जो है वो आ जाते हैं और की शील्ड में इसमें हम सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट को नहीं देखते थीक. तो ये हम दोनों ही तरह से जो है वो इसको देखते हैं ये डिपेंड ऑन कि आपकी सोच क्या है इसमें सोच का भी बड़ा अमल दखल होता है कि हर बंदे की सोच पॉजिटिव नहीं होती राइट right. जब नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो आपके अंदर और आप नेगेटिव अप्रोच रखते हो तो आपके और की जो शील्ड कलर्स हैं जो पॉजिटिव इमेज जिन्होंने आपको देना था जैसे ग्रीन है पर्पल है वो डल होना शुरू हो जाते हैं ऑरेंज कलर है वो डल होना शुरू हो जाते हैं और आपके जो इन्हेंसिंग कलर्स होते हैं वो वो होते हैं बूस्टिंग कलर्स जिसमें आप दूसरे के साथ जो है वो हमेशा ऐसे पॉइंट हाँ टॉक्सिक इन्वामेंट में या रिलेशनशिप में जो है वो आ जाते हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है लेकिन लोग इसको समझते नहीं है या पाकिस्तान में इस पर इतना काम नहीं हुआ इस वजह से लोगों को अवेयरनेस नहीं है जी अब मुझे ये बताए जब हम बात करते हैं अब कामयाब शादी के पीछे राज ये आपने ह्यूमन और क्लिनिंग की भी बात की तो इसको भी हम साथ ही एसोसिएट करते हैं और बताएं कितनी रेलिवेंट है कितनी इंपॉर्टेंट है और कामयाब शादी के पीछे असल रात और फार्मूला क्या होता है देखिए कामयाब शादी के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कोई एक चीज़ नहीं है कि जिससे आपकी शादी कामयाब हो जाएगी सबसे पहले तो आपकी कंपेटबलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसका अक्सर वक़ार जो है वो तयन रखा ही नहीं जाता लड़का और लड़की एक दूसरे को अगर पसंद कर रहे हैं तो वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये मेरे साथ जो है वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है या मुझे कितना वक्त दे रहा है वो ये नहीं देखते कि ये मेरी इज़्ज़त कितनी कर रहा है या मेरे साथ जो है वो इसका रिस्पेक्ट का एलिमेंट कितना ज़्यादा है या ये बंदा मेरे लिए फ़ाइट कर सकता है या नहीं या चार बंदों के आगे अगर मैं कभी फंस जाऊँ या कभी मेरी कोई बेज़ती कर रहा हो तो ये उसके आगे खड़े होकर जो है मेरा डिफेंस भी कर सकता है या नहीं खातन नहीं देखती ऐसी चीज़ें वो सिर्फ ये देखती हैं कि अच्छा मुझे टाइम दे रहा है तो ठीक है इट्स ओके मैं शादी कर सकती हूँ लेकिन टाइम जो है वो ज़रूरी है बट ये इतना ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से ये फैसला कर लें कि आपको जल्दी से शादी कर लेनी है ट्रू ये चीज़ें जो है वो काउंट करती हैं आपको अपनी जो मेंटल हेल्थ है ना उस पर काम करना पड़ेगा एक्चुअल हमने अपनी मेंटल हेल्थ पे काम नहीं किया हम सिर्फ जो है वो मेंटल इलनेस का शिकार इसी वजह से होते हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं है कि हमारे साथ जो मामला चल रहे हैं जो इन्वायरमेंट है हमारा वो कितना काउंट करता है इन चीज़ों को अच्छा देखिए शक्ल की खूबसूरती जो है ना वो मैटर करती है लेकिन शक्ल की बदसूरती जो है वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाती कि अगर आपकी शक्ल अच्छी नहीं है आप एक खूबसूरत इंसान नहीं है तो वो चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा रही आपको लेकिन नुकसान क्या पहुंचा रहा है आपके दिल की बदसूरती आपकी हाँ आपके बिहेवियर आपकी जो फीलिंग्स आप फील कर रहे हैं उसको बिहेवियर में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप दूसरों के लिए परेशानी का बाइस बन रहे हैं तो इट्स मीन कि आपके अंदर की ब्यूटी जो है ना वो बहुत काउंट करती है लोग खूबसूरत चेहरा देखते हैं मैं कैसी अंदर की खूबसूरती देखें yes. कि कोई आपकी इज्जत कितनी करता है कोई कितना खूबसूरत है इससे मैटर नहीं करता लड़कियाँ ख़ूबसूरती देखने निकल जाते हैं कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां बैठी रह जाती हैं शादियां नहीं हो पाती उनकी तो एक तो मेंटल कंपेटबिलिटी बहुत ज़रूरी है टाइम दे के शादी करें जल्दबाजी मत करें अगर कामयाब शादी करनी है अगर कामयाबी चाहिए लेकिन तो। जो मियाँ बीवी ऑलरेडी मेरिड है वो किस तरह से अपने आप को लेके चलते हैं कि उनकी शादी कामयाब है ये फार्मूला भी डिस्कस करें जी देखें जो मियाँ बीवी ऑलरेडी जाहिर है कि मियाँ बीवी हैं उनका निकाह हो चुका है तो जैसे ही निकाह होता है ना आप मैं हमेशा कहती हूँ आप कबूल है कबूल है कबूल है करते हैं तो आप ख़ूबियों और ख़ामियों समेत कबूल कर रहे हैं आप सिर्फ उसे ख़ूबियों समेत कबूल नहीं कर रहे ख़ामियाँ भी बीच में ही शामिल हैं एक इंसान परफेक्ट नहीं है अल्लाह ने बनाया ही नहीं परफेक्ट क्योंकि गलतियाँ जो है वो हर इंसान में मौजूद हैं इंसान गलती का पुतला है अल्लाह ताला बार बार चाहते हैं कि बंदा मेरी तरफ आए और माफ़ी का तलब गार हो जितनी वो माफ़ी मांगेगा उसकी उतनी अच्छी बख्शिश जो है वो रास्ता बन जाएगा तो इसी तरह मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में भी है कि ख़तएँ होती हैं गलती होती है लेकिन जब आप अपनी गलती को मानते नहीं हो ना अड़ जाते हो कि नहीं मेरी गलती नहीं है इसकी गलती है वहाँ जाके आपके रिलेशनशिप जो है वो डैमेज होना शुरू होता है एक कामयाब शादी के लिए सबसे पहले अपनी ग़लती को एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं होना चाहिए चाहिए मियाँ बीवी के रिश्ते में तो ईगो नाम की चीज़ ही नहीं होनी चाहिए जबकि लोगों ने इसको इतना ऐगोस्टिक बना लिया है इतनी अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो कि अगर मेरी बीवी मेरे सामने जो है वो बोल रही है तो पता नहीं ये क्या मसला हो गया वो मेरा शौहर अगर चार बंदों के सामने उसने मुझे कुछ कह दिया तो ये मेरी बेज़ती होगी नहीं जो आपका लिबास है जो आपको जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है अगर वो किसी वक्त में आपके साथ जो है वो मिसबिहेव कर भी रहा है तो उसने आपकी इज़्ज़त नफ्स को ठेस नहीं पहुंचा दी आप दोनों आपस में देखें इतने अरसा जब मियाँ बीवी एक साथ रहते हैं तो वो ज़ाहरी बात है कि कहीं लड़ाई भी होती है झगड़े भी होते हैं और ख़ुशी भी होती है सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं और लड़ाई तो खूबसूरती है लड़ाई के बाद की दोस्ती का मज़ा और है तो इसलिए जो लोग ज़्यादा लड़ते हैं कहते हैं कि वो ज़्यादा मोहब्बत करते हैं अच्छा ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो ज़्यादा लड़ते हैं वो ज़्यादा मोहब्बत करते हैं आपस में ना ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बात सिर्फ इतनी होती है कभी टॉक्सिक राइट हाँ एक्जैक्टली ये बहुत ज़्यादा जो बिल्कुल ही नहीं लड़ते <laughs> जो बिल्कुल ही नहीं लड़ते क्या उन्हों उन्हों को को खामी लिए, होती है या कुछ मसला नहीं उनके लिए एक दूसरे की अहमियत ही नहीं होती लड़ता वही है जो दूसरे को अहमियत दे रहा है जो दूसरे को इंपॉर्टेंस दे रहा है क्योंकि अक्सर वी ओवर हियर एंड वी के कुछ कपल्स कहते हैं ये क्लेम करते हैं कि हमें तो लड़ाई नहीं होती तो हम हैरान होते है कि ऐसा क्यों है देखिए लड़ाई पॉसिबल है ना लड़ाई होनी चाहिए लेकिन इतनी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें आप अना का मसला बना लें छोटी मोटी बात जो है वो जिसपे नाराजगी और फिर मनाना ये अच्छा लगता है hmm. और छोटी छोटी चीजें जो हैं वो आपकी जिंदगी में होनी चाहिए ये खूबसूरती है जिंदगी तो यानी कि वी कैन द द क्रक्स ऑफ ऑफ स्टोरी इज हाँ. दिस डिस्कशन कामयाब शादी के पीछे जराज इसमें ईगो नहीं होना चाहिए एक्जली अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन होनी चाहिए नेचर होनी चाहिए मूविंग ऑन मुझे ये जब हम बात करते हैं शादी के फैक्टर्स की उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी भी गलती मानने का हौसला होना चाहिए बिल्कुल और मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि लड़की को अपना पास शेयर करना चाहिए कि नहीं लेकिन इससे पहले मेरा एक और क्वेश्चन है शादी में जो फैक्टर्स है चीटिंग और ट्रस्ट बिल्डअप ये दोनों फैक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है और अगर ये दोनों फैक्टर्स एक्जिस्ट करेंगे कोई ऐसा इंसिडेंट या केस है तो वो बेशक आप रिलेट करके बताएं कि हाउ कैन यू ओवरकम चीटिंग लाइक आप मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में अगर चीटिंग हो तो किस तरह से मैनेज होती है अच्छा चीटिंग होती ही कपल्स के दरमियान में है ज़ाहिर है जहाँ या मोहब्बत वो वो तो वो हाँ, तो चीट, होती, होती है चीटिंग भी वही होती है बात ये है तो मोहब्बत का रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है अच्छा ये ये आप डायलॉग बना सकते हैं आज से पहले तो ये डायलॉग मैंने नहीं सुना क्योंकि ये आज आमद आपके ही प्रोग्राम में हुई है तो ये इसके बाद ये डायलॉग बन जाए तो मैं

जहाँ वो आपसे भागने की कोशिशों में आप को चीट कर रहा है देखिए झूठ सबसे बड़ा एलिमेंट है चीटिंग का जब आपका कपल आपका जो है वो पार्टनर आपसे झूठ बोलना शुरू कर देना और टाइम आपको देने की बजाय जो है वो टाइम उसका कहीं और स्पेंड हो रहा हो तो इट्स मीन

वो अपनी मोहब्बत को भी और अपनी ताकत को भी जो इन्वेस्ट कर रही होती है एंड पॉइंट तक लेके जाती है ठीक, अपना ठीक, घर बसाने के लिए भी जो है वो बहुत कोशिश करती है लेकिन वो टूटती कब है जब उसको ये पता लगता है कि उसका शौहर उसके साथ चीटिंग कर रहा है लेकिन अभी आपने बताया ना कि कोई ना कोई कमी रह जाती है दूसरे पार्टनर की जानब से भी जी, जी बिल्कुल चीटिंग रह, रह जाती है उसको रह है। जाती है। अच्छा वो कमी इतनी कोई रेयर नहीं होती है या इतनी कोई खास कमी नहीं होती है कि जिसका जिसके अपने पार्टनर को आप इतनी बड़ी सजा दे दें कि उस पर आप उसके साथ जो है वो चीटिंग करें ये आपकी अपनी फितरत भी होती है ठीक ये बताएं आप जब बात करते हैं चीटिंग की ठीक है एक पार्टनर ने चीटिंग कर दी जाहिर है अब इसका हल ये तो नहीं है कि मिया बीवी अलग हो जाए उस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू कैसे करना चाहिए और ट्रस्ट बिल्डअप कैसे होना चाहिए देखिए अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है हुँ. तो आप अपनी तवज्जो उस पर बढ़ा दें मैं हमेशा बीवियों को यही मशवरा देती हूँ कि अगर लग रहा है कि मियाँ जो है वो कहीं और इन्वेस्ट कर रहा है अपना टाइम और आप पर जो है वो इन्वेस्ट नहीं हो रही उसकी तवज्जो तो आप अपनी तवज्जो उस पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें नज़र रखने से जो है वो काम नहीं बनेगा मोहब्बत देने से काम बनेगा दुनिया में जंगे जो है ना वो बेशक मोहब्बत से नहीं जीती जाती वो ज़ाहरी बात है जंग में तो सब कुछ लाजिम होता है लेकिन मोहब्बत में जंग लाजिम नहीं होती मोहब्बत में किसी किस्म की कोई जंग नहीं है कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ होता है अच्छा सब कुछ जायज़ इस तरह नहीं होता कि आप दूसरे बंदे को जो है वो नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करें या उस पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दें अगर आपको लग रहा है आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है वो वजूहत ढूंढें जिसकी वजह से वो आपको चीट कर रहा है वो चीज़ें वो स्पेस ढूँढें जो आपने उसको दिया है कहाँ आपने जो है वो गलती कर दी कहाँ आपने जगह छोड़ दी उसको तो फिगर आउट करें हाँ बिल्कुल करें।, करें बिल्कुल अपना जो है वो पूरा कर, जैसे एक इंसान अपना मुहासबा करता है ना ऐसे ही अपनी फीलिंग्स और अपने एटीट्यूड को देखें परखें कि आपसे कहाँ गलती हुई कि जो आपने उसको इतनी स्पेस दे दी कि वो आपके साथ जो है वो चीटिंग कर रहा है ठीक ठीक तो ये चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए इस पर मैं एक शेर आपको जो है वो सुना देती हूँ छोटा सा है कि छोड़ दिया छोड़ यार क्या रखा है सुनने सुनाने में छोड़ यार क्या रखा है सुनने सुनाने में किसी ने भी कसर ना छोड़ी दिल दुखाने में तो nice. ये जब जब चीटिंग होती है ना तो ये दिल दुखता है थी, आपको तकलीफ़ होती थी. है ट्रस्ट लेवल बहाल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है hmm. मेरे पास जो ख़वा आती हैं ना वो ये कहती हैं कि हमारे शोहर का अगर कोई एक्स्ट्रा मैटल अफेयर है तो हमें बताया अब हम इस पर ट्रस्ट कैसे करें हम इस चीज़ को कैसे जो है वो मैनेज करें पॉसिबल है हो जाता है अच्छा देखिए मुश्किल है लेकिन हो जाता है अगर ना भी हो तो भी आप लोगों को एक ही छत के नीचे एक साथ रहना है अपने बच्चों के लिए अपना घर बसाने के लिए आपको ट्रस्ट लेवल बहाल करने में आपने ही स्पेस छोड़ी है ठीक मियाँ है या बीवी है जहां पर भी कोई दूसरा किसी दूसरे की तरफ कनेक्ट हुआ है वहाँ उसको जगह मिल गई ठीक है आपने खाली जगह पूर्ण नहीं किया कि ये आहिस्ता आहिस्ता है आपका ट्रस्ट लेवल जो है वो बहाल हो जाता है लेकिन एक वक्त के बाद शायद वो वक्त लेकिन इसमें पेशेंस चाहिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा All इसके right. लिए आपको एक्सपर्ट की जरूरत है आप खुद से तो ये जो है वो सबर और तहमुल नहीं कर सकते क्योंकि आप तो उस बंदे को माफी नहीं करेंगे जिसने आपके साथ चीटिंग so हाँ। को ठीक है मोबिंग ऑन मुझे ये बताए माई लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन क्या लड़कियों को करना चाहिए शेयर करना चाहिए अपने होने वाले शोहर खावंद के साथ या शादी के बाद अपने मियाँ के साथ अच्छा देखिए पास्ट शेयर करने का इतना कोई ख़ास तो मकसद नहीं है मुझे तो नहीं लगता कि लड़कियों को जो है वो अपने पास्ट की बातें या चीज़ें जो है वो हस्बैंड को बतानी चाहिए क्योंकि इससे देखें माइंड जो है ना ये दिमाग जो है ये मज़ाक अफोर्ड नहीं करता इसमें आप जो फ़ीड करते हैं ना वो फिक्स होता जाता है जैसे एक कंप्यूटर है ना उसमें आप जो लिखेंगे वही फीड होगा वही राइटिंग आएगी और वही जो है वो आपको आ, आपके पास जो है वो मिल जाएगी प्रिंट की सूरत ना हाँ एक्जैक्टली हा, हा। हा। exactly. तो ये माइंड में भी आप जब ये कह रहे हो ना आप किसी के दिमाग में ये चीज़ डाल रहे हो कि मैं अपना टाइम ऐसा स्पेंड कर चुकी हूँ और ऐसा मेरे साथ जो है वो हो चुका है अच्छा कई जगह पर आप सिंपति लेने के लिए ऐसा कर रहे होते हो अपने हस्बैंड के साथ लेकिन नहीं करना चाहिए मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी पर्सनल बातें अपने दोस्तों अपने घर वालों या अपने हसबेंड के साथ शेयर करनी चाहिए अगर कोई आपका माजी है आपका कोई पास्ट है या आपका कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे आप जो है वो डिस्कस करके सिर्फ सुकून हासिल करना चाहती हैं तो वो आप किसी एक्सपर्ट के साथ तो कर सकती हैं हाँ एग्जैक्टली या फिर आप अल्लाह के साथ तो उसको शेयर कर सकती हैं लेकिन आप इस प्रोसेस में ना आए कि आप किसी दूसरे शख्स को बता दें वो आपका राजदार बन जाएगा सारी जिंदगी के लिए मुश्किल हो जाएगी

उसी सिचुएशन में देखेगा थीक, थीक, थीक। और फिर वो बाद में आपके लिए जो है वो तानों का बाइस भी बन सकती है वो बात कि अच्छा तुमने तो मुझे ऐसे बताया था तुम तो पहले ऐसी थी और अब तुम ऐसी हो कोई भी आपकी गलती किसी भी वक्त आपके लिए ये बात ताने का बाइस बना सकती है कि अगर आपने अपने शोहर के साथ अपना पास शेयर किया है या उसको जो है वो अपना राजदार बनाया राजदार अल्लाह के सिवा किसी को ना बनाए Okay. Thank you. Thank you so much for such an informative uh, session today. We had my pleasure on Summer Podcast. Thank you, Dr. Nabiha, for being here. It was a lovely conversation with you when we talk about psychological issues, especially in between uh, husband and wife. Thank you guys for watching us today. Stay tuned for another session. Till then, bye bye. <laughs>